नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। और एमपीपीएससी 2019 का जो है वो नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज कर दिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंतजार जो है वो करने के बाद अब फाइनली एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिया है। तो इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब एग्ज़ाम होने वाला है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, कैसे तैयारी करना है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस पूरे वीडियो में यहाँ पर देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम एमपीपीएससी की बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो प्री एग्ज़ाम आपका होगा वो होगा 12 जनवरी 2020 में, ठीक है। तो 12 जनवरी को रविवार के दिन आपका यहाँ पर प्रारंभिक एग्ज़ाम एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम होने वाला है। साथ में यदि हम यहाँ पर बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि की, तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर तक जो है आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो बस हमारे पास जनवरी का यहाँ पर महीना, मतलब जनवरी और दिसंबर, दिसंबर का बस हमारे पास यहाँ पर पूरा महीना है। तो हमको जो है वो कम से कम 40 से 50 दिन का समय है, इसके अंदर हमको तैयारी करनी है। और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। आप लोग एमपीपीएससी प्रिपरेशन ऑल इंडिया गुरुजी लिखकर सर्च करोगे तो मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, वो देखो और उस हिसाब से तैयारी अपनी करो। साथ में यहाँ पर यदि हम बात करते हैं प्रश्न पत्र प्रथम की, तो सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र होगा वो सुबह 10 से 12 होगा, वो बात की बात है, ठीक है। और जो सेकंड प्रश्न पत्र होगा वो यहाँ पर सी सेट जो होगा वो आपका 2:15 से 4:15 बजे तक का होगा, राइट। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की, तो ऑनलाइन आवेदन की यहाँ पर तिथि दी गई है 20 नवंबर। 20 नवंबर को दोपहर 12 बजे से आप जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर पाएंगे और ये आप 9 दिसंबर को रात्रि 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं एमपीपीएससी एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर। तो सबसे पहले तो आप फॉर्म भरने का जो है वो यहाँ पर काम करिए। आगे देखते हैं, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं पात्रता क्या रहने वाली है, कौन कौन एग्ज़ाम दे पाएंगे, तो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। साथ में जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में है, लास्ट ईयर में जो हैं, वो भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है रोजगार कार्यालय में पंजीयन। आपका पंजीयन आपका जो है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए रोजगार कार्यालय में, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, तो इसको आप जल्दी जल्दी करवा लीजिए। तो अभ्यर्थी का जो है वो मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। साथ में यदि हम यहाँ पर बात करते हैं परीक्षा योजना की, परीक्षा योजना जो है जैसा हमेशा से होता आया है वैसा ही होने वाला है। 3 चरणों में परीक्षा होगी आपकी। यहाँ पर आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी जो कि ओएमआर सीट पर होगी, मतलब आपका ऑनलाइन एग्जाम जो है वो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आपका मेन एग्जाम होगा, मेन्स का एग्जाम होगा और फिर आपका इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है। तो सेम वैसे ही सारी चीज़ें रहने वाली हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें वैकेंसीज़ की, तो टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो 330 है। वैसे तो बहुत कम वैकेंसी हैं लेकिन अब ये वैकेंसी बढ़ेंगी भी, ठीक है। अभी बाकी विभाग से यहाँ पर वैकेंसी पूरी तरीके से नहीं आई हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं प्रस्तावित शहर, तो जहाँ पर प्री एग्ज़ाम होगा वीडियो को पॉज करके ये शहर देख लो, यहाँ यहाँ पर आपके एग्ज़ाम होने वाला है। आपका जिला इसमें है या नहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, आयु सीमा की बात करें तो आपकी जो एज है वो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, ठीक है। तो 21 से लेकर 40 साल तक के जितने भी यहाँ पर एस्पिरेंट हैं वो सभी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो आपकी आयु की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2020 तक की जाएगी। 1 जनवरी 2020 तक आप 21 वर्ष से ज़्यादा और 40 वर्ष से कम होना चाहिए, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। बाकी और भी जो एज लिमिट है, और साथ में यहाँ पर हम बात करते हैं जो आपको छूट दी गई है वो सेम वैसी ही दी जाएगी जैसे कि बाकी एग्जाम में आपको यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी को जो छूट मिलती है वो वैसे ही आपको यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर शारीरिक मापदंड की बात करें, जो पुलिस विभाग की जो भर्तियाँ होती हैं, गृह पुलिस, ठीक है, और वाणिज्य कर आबकारी विभाग, जेल विभाग और परिवहन विभाग के जो वर्दीधारी पद हैं उनके लिए आपका शारीरिक मापदंड यहाँ पर दिया गया है। जो मेल होंगे उनकी हाइट होना चाहिए 168 सेंटीमीटर, बगैर फुला यहाँ पर सीना होना चाहिए 84 और फुलाने के बाद 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाएँ जो हैं उनकी हाइट यहाँ पर होना चाहिए 155 सेंटीमीटर, तो इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा।
साथ में आपको फॉर्म कैसे भरना है, अभी मैं आपको बताऊंगा, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो वो आप एम पी ऑनलाइन की साइट से mppsc.nic से उपलब्ध कर सकते हैं। साथ में आप एम पी ऑनलाइन की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर भी जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में यदि आपको देखना है कि फॉर्म फिल कैसे ऑनलाइन करना है, अपने हाथ से ऑनलाइन फिल करना है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो मैं आपको पूरी प्रोसेस यहाँ पर समझा दूंगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, अब आपका आवेदन शुल्क, परीक्षा शुल्क यहाँ पर क्या रहने वाला है, तो परीक्षा शुल्क थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। यदि आप सिर्फ राज्य सेवा के लिए यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, SC ST OBC दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदक हैं, तो आपकी यहाँ पर जो फीस है वो है ₹750। यदि आप केवल वन सेवा के लिए भर रहे हैं तो आपकी ₹750 है, और यदि आप वन सेवा और राज्य सेवा दोनों के लिए यहाँ पर फॉर्म को भर रहे हैं, तो आपकी यहाँ पर फीस ₹1000 कर दी गई है। इसके अलावा ₹40 आपका टैक्स अलग से यहाँ पर लगेगा। और यदि आप और किसी श्रेणी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, और यदि मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, तो आपकी यहाँ पर फॉर्म यहाँ पर ₹1500 फीस लगेगी, और यदि आप दोनों एग्ज़ाम का देना चाहते हो तो ₹2000 यहाँ पर फीस कर दी गई है, थोड़ा सा फीस यहाँ पर बढ़ा दी गई है। इसके बाद बात करते हैं आपकी परीक्षा योजना की, परीक्षा कैसे होने वाली। तो अभी तक सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि ये लग रहा था कि ये बोला जा रहा था कि इस बार जो PSC का एग्ज़ाम होगा उसमें माइनस मार्किंग रहेगी, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साफ साफ यहाँ पर लिख दिया गया है कि माइनस मार्किंग आपकी नहीं होगी। तीन चरण में पेपर होगा, वो मैंने आपको बता दिया, प्री मेंस और इंटरव्यू होगा, ठीक है। जो प्रश्न पत्र प्रथम है वो 2 घंटे का होगा, 200 नंबर का होगा, सेम रहने वाला है, कोई चेंजेस इसमें नहीं हुए हैं। साथ में जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो भी 2 घंटे और 200 नंबर का रहने वाला है, कोई चेंजेस इसमें नहीं किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र 2-2 अंक के 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 200 अंकों का होगा, और प्रत्येक प्रश्न की समय अवधि 2 घंटे होगी, वो मैंने आपको बता दिया, जैसा कि हमेशा से होता आ रहा है। साथ में यहाँ पर स्पेशल मेंशन किया गया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो आप इस बहकावे में बिल्कुल मत आना कि इस बार नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ कि मैंने MPPSC के लिए प्रिपरेशन के लिए 50 दिन की यहाँ पर स्ट्रेटजी ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, और यदि आप बोलोगे तो मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। और भी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हो कि सर इस पर वीडियो बनाओ, उस पर बनाओ, सारी चीज़ें बनाऊंगा, और आगे आपको कैसे इस पर लगातार चैनल पर वीडियो मिलने वाले हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट्स करके बताओ कि अब जो है आप कैसे तैयारी करोगे और आपको किस किस टॉपिक पर कैसे वीडियोस चाहिए, तो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो वीडियो को जो है वो यहाँ पर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोस में। थैंक यू। जय हिंद।